नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आपका जो चैप्टर चल रहा था औसत, उसका जो है 47 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। उन सभी 28 की औसत आयु क्या होगी? कहता है ये कि जो 12-13 वर्ष के लड़कियां हैं, 13 लड़कियां हैं, उनकी जो औसत आयु है वो जानते हो कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। और 12 लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है भैया? 15 लड़कों की, जो 15 लड़कों की औसत आयु है वो 12 वर्ष है। अब 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है और 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ये बात कहता है। तो एक बात बताओ, तो लड़कियों की जो कुल आयु का योग होगा वो क्या होगा? 16 × 3 = 48 और 16 × 16 और 4 = 20, यानी 208 वर्ष रही होगी। फिर कहता है इनका योग कर लेते हैं, इनका योग कितना होगा? तो 15 × 2 = 30 और 15 × 1 = 15 और 15 × 3 = 18, 180 वर्ष रहा होगा। अब इनका कुल योग कितना हुआ आयु का? 8 और 8 388, कितना? 388। अब कहता है इन 28 बच्चों का औसत आयु क्या होगा? तो भैया आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या, यही इनका योगफल का औसत होता है। काटिए, किससे कटेगा ये देखिए, 200 काटिए, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, ठीक है। अब 2 से काटिए, 2 × 7 = 14 और 2 × 9 = 18 और 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, 7 × 9 = 7, कितना बचा? 2, 27 हुए, 7 × 3 = 21, कितना बचा यहाँ पर? 6, 60 हुए, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49 और 7 × 8 = 56, कितना बचा? 4, फिर 7 × 5 = 35, फिर कितना बचा यहाँ पर? 5, फिर 7 × 7 = 49, यानी 1 यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 13.86, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए कि 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो नए छात्र की आयु बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 15 बालक हैं तो इनकी औसत आयु हो जाती है 18 वर्ष। कितनी होती बाबू है? 18 वर्ष। अगर तो इनका योग पहले करते हैं, तो 15 × 8 = 120 हासिल लगे 12, 15 × 1 = 15 और 12 कितने होते हैं भैया? 27। कितने होते हैं? 27। अब कहता है यहाँ पर हमने बच्चा एक बढ़ा दिया, कितना बच्चा हुआ? 16, लेकिन औसत आयु जो है वो 1 वर्ष कम हो गई। अब इनका योग क्या होगा? 16 × 17 = 102 हासिल लगे 10, 17 × 17 = 10 = 27, तो यहाँ पर हो गया 272। जब वो बालक आया तो इनका जो योग हुआ औसत का तो हो गया 272, और जब इनका 15 लोगों का योग रहा था तो हुआ 270, तो उस बालक की आयु जानते हो क्या है? 2 वर्ष रही होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की आयु 16 वर्ष है, तो भैया क्या करते हैं? 35 आयु की जो है वो 16 वर्ष है, इनका योग पहले कर लेते हैं, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। फिर 16 × 5 = 80 = 0, 16 × 3 = 48, 48 × 8 = 56, 560, इनका योग हुआ 560। उनमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, भैया उनमें जो 21 विद्यार्थी हैं उनकी आयु है 14 वर्ष, तो 14 × 14 और 14 × 2 = 28, 129, तो इनकी जो
योग हुआ वो 294 हुआ। अब क्या कहता है कि 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी, तो यहाँ पर कितने बच्चे बचे, 14, 35 से 21 गए, कितना बचा, 14, और ये 21 विद्यार्थियों की औसत आयु पता है, तो 14 विद्यार्थियों का जो योग था, आयु का योग, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमें ज्ञात हो सकता है। तो 10 से 4 गए कितना बच्चा, 6, यहाँ 15 से 9 गए कितना बच्चा भैया, 6, और यहाँ पर 4 से 2 गए कितना बच्चा, 2, जो इनकी जो योग हुआ वो 266 हुआ। अब इनका औसत पूछ रहा है, तो भैया औसत बराबर क्या होता है, आपको बता चुके हैं क्या होता है, आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या। तो 266 बटे 14, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, फिर भैया क्या होगा, 7 × 7, 7 × 7 कितना बचा यहाँ पर, 6, यहाँ पर हुए 63, 7 × 9 = 63, यानी उनका योग हुआ 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु जोड़ी जाए तो औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। बाबू 29 छात्र थे तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो भैया इनका योग क्या हुआ, 15 × 9 = 135, हासिल लगे 13, 15 × 2 = 30, और 13 कितना हुआ, 43, 435 वर्ष उनका हुआ योग। अब गुरु जी के आने पर, क्योंकि गुरु जी आएंगे तो संख्या हो जाएगी 30, और औसत जो आयु है वो एक वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 16 हो जाएगी, तो 16 × 48 और 16 × 0 = 0, 480, इसमें से 480 से 435 माइनस कर दीजिए, तो 10 से 5 गए कितना बचा, 5, और 7 से 3 गए कितना बचा, 4, तो गुरु जी जो है 45 वर्ष के रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए, किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है, तो 30 छात्रों का जो वर्ग है उनकी आयु 18 वर्ष है, 18 × 3 = 54 और 18 × 0 = 0, तो उनकी जो आयु का योग है वो 540 है। प्रश्न को आगे पढ़ते हैं, यदि इनमें शिक्षक की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत वर्ष 19 वर्ष हो जाती है, औसत आयु क्या होती है, 19 वर्ष हो जाती है, तो भैया अब लोगों की संख्या हो गई 21, 31, और उनकी जब एक वर्ष बढ़ गई तो हो गई औसत वर्ष 19, गुरु जी की आयु पूछना है, तो 19 × 9, 19 × 3 = 57 और 1 = 58, तो भैया 589 से 540 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 49 वर्ष, जो गुरु जी अभी यंग रहे होंगे 49 वर्ष है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 52 देखिए, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। बाबू एक बात बताओ, ये 34 × 46.5, इनका योग निकालना है, तो इनका भैया जो आयु का योग होगा वो 15, यानी 1581 होगी, हमने ये देखिए कैलकुलेशन रोक कर लिया ताकि आपको वीडियो लंबी ना हो सके। अब देखिए जब गुरुजी आ गए तो भैया इस 34 थे, अब हो गए 35, 500 ग्राम की बात करता है ना, तो 500 ग्राम क्या किया हमने, जो है 46.5 में जब 500 ग्राम जोड़ोगे तो भैया 47 ही तो बचेगा, तो 47 हो गए। अब इनका जो आयु का योग बना वो कितना बच्चा बना, 1645, तो 1645 से 1581 माइनस कर दीजिए, कितना होगा यहाँ पर, 4, और 14 से 8 गए कितना हुआ, 6, तो गुरुजी जो है 64 वर्ष के रहे होंगे, 64 किलोग्राम का रहे उनका वजन रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, 10 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है,
10 बच्चों की औसत वर्ष जो है 14 वर्ष है, तो इनका योग कितना रहा होगा, 140 रहा होगा। अब कहता है 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो इनका योग कितना हुआ, 12 चौक 48। कहता है शेष 6 बच्चों की आयु कितनी होगी, शेष 6 बच्चों की, तो भैया यहाँ पर शेष 6 बच्चे हुए, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 10 से 8 का कितना बचा, 2, 13 बच्चे, यहाँ पर 3 बच्चे, 13 से 4 का कितना बचा, 9, 92, तो 92 बटे 6, 2, तो 92 बटे 6, 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, तीन कन्ना तीन, तीन पचे 15, तीन तिया नौ, 15.33 वर्ष रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, 10 व्यक्तियों का औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 10 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा, तो भैया इसका जो है भार क्या होगा, तो देखिए 10 व्यक्ति का है भार, ठीक है, तो 10 गुणे 2 बराबर 20, 40 का वो बंदा आ गया तो इसका भार क्या हो गया, 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 55 देखिए, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री था, मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पति का औसत तापमान 40 डिग्री था, यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री रहा है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए मंगलवार और बुधवार तथा बृहस्पति का औसत तापमान 40 डिग्री था, बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री रहा है, तो सोमवार का तापमान कितना था, तो भैया एक बात बताओ, सोमवार और मंगलवार और बुधवार का इनका जो औसत तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, अब तीन दिन का औसत तापमान का योग कितना हुआ, 30 तिया 90 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है कि मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो इनका योग कितना हुआ, 4 तिया 12, 120 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें देखिए मंगल है और बुध है, क्या है, मंगल और बुध, बृहस्पति का तो तापमान 38 डिग्री बता ही चुका है, क्या है, 38 डिग्री बता चुका है, तो भैया एक बात बताओ, अगर इसमें से हम 120 से अगर 90 घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 और कितना बचेगा, यहाँ पर 30, कितना बचेगा, 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये 30 किसका बचा जानते हो, 30 किसका बचा, ये 30 डिग्री सेल्सियस बचा, ये जो आपका मंगल बुध हो गया, अब ये हुआ बृहस्पति का एक्स्ट्रा वाला, इसमें सोमवार का निकलेगा और 38 डिग्री बता रहा है बृहस्पति का है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, इसमें से 30 घटा देंगे तो जो सोमवार का तापमान है वो 8 डिग्री बताएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 56, मंगल बुध और बृहस्पति, मंगल बुधवार और बृहस्पतिवार का जो तापमान है औसत तापमान उसका है 74 डिग्री सेल्सियस, दिन कितने हुए, 3 और गुणे 74, 3 चक्कू 12 के 2, 3 सत्य 21 और 1 22, यानी इनका जो योग बना वो बना 222 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है कि भैया कि बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, क्या है, शुक्रवार, इनका जो औसत दे रखा है वो दे रखा है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है, 78 डिग्री सेल्सियस। अब इनका योग कितना बना, 3 गुणे 78, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 8 24 के 4, 3 7 21 और 2 23। अब एक बात बताओ, और कहता है हाँ शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है, तो भैया क्या करेंगे, 274 से
234 से 222 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर बताओ, 2, और यहाँ पर बचेगा 12 डिग्री सेल्सियस, कितना बचेगा 12 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है कि भैया उसका तापमान जो है 75 डिग्री पहले से शुक्रवार का था, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, तो भैया जो मंगल का तापमान बता रहा है वो 63 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, एक व्यापारी 5 टिन का डालडा 210 रुपये की दर से खरीदता है, जो 5 टिन के डालडा हैं वो 210 रुपये का एक जो है टिन खरीदता है, तो इसका योग कितना हुआ, तो भैया 5 जीरो 0, 5×5 और 5×2 = 10, 1050 रुपये का। फिर कहता है कि 60 टिन डालडा जो है 215 रुपये प्रति डालडा, 7 टिन डालडा 215 रुपये प्रति डालडा, तो 7×5 = 35, 7×7 और 3×7 = 10, 7×2 = 14 और 1×15 1505 रुपये। फिर 8 टिन डालडा 200 रुपये प्रति के हिसाब से, तो 8×2 = 16 और 2×0। अब क्या कहता है कि भैया बताओ डालडा खरीदता है तो डालडा का औसत मूल्य प्रति टन, तो इनका कर लीजिए योग, तो 5 और 5 और 6 5 11, 1 2 3 और 4, 4155, यहाँ पर कितने हुए 7 5 12 8, कितने हुए 20, कितने हुए 20। अब भैया इनका योग करके क्या करना है, भाग कर देना है, क्या करना है, भाग कर देना है। एक काम करिए, 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, भाग करने की ज़रूरत नहीं है, तो 5×25 और 5×25 = 5, 5×25 = 25 और 2 = 27, 5×5 = 7, 5×5 = 20 और 100 20×5 = 100, 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दिए, 207 रुपये 75 पैसे, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, एक नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए, एक चरवाहे ने 13 भेड़ें तथा 9 बकरियां 12,800 में 60 में खरीदी, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपये है तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या है। बाबू एक बात बताओ, 13 भेड़ों तथा 9 बकरियों का है, एक भेड़ का 740 है, तो 13 का क्या होगा, 13 भेड़ों का 13×0 = 0, 13×52 = 52, 13×7 = 91 और 5, 91 5 96, 9,620 रुपये की जो है भेड़ें हुई, बकरियों का मिला करके 12,860 रुपये, तो 9,620 माइनस कर दीजिए तो भैया 9 बकरियों की कीमत आ जाएगी 0, यहाँ पर बच्चा कितना 4 और यहाँ पर कितना बच्चा 2 और यहाँ पर कितना बच्चा 3, 3,240 रुपये बचा, और एक बकरी का जो है पूछता है तो 9 से भाग कर दीजिए, 9×3 = 27, कितना बचा यहाँ पर 3×2 = 5 बचे, तो 9×6 = 54, एक बकरी के जो कीमत है वो 360 रुपये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल क्या है, 8 घंटे में 400 तो कुल दूरी बटे समय 8×5 = 40, तो भैया औसत दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति हावर्स रही होगी, ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो औसत चाल क्या है। भैया एक बार देखिए वही दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और फिर वही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो इसका औसत चाल क्या है, जानते हो।
उसी दूरी को आना और उसी दूरी को जाना, तो एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यानी एक्स वाई यहाँ पर चालें हैं, तो दो गुणे दस गुणे पाँच, और ये दस और पाँच क्या है, एक्स वाई हैं, तो बटे पंद्रह, पाँच तियाँ पंद्रह, दस दूनी बीस, और बटे तीन, तीन छाक अठारह, तीन छाक अठारह और तीन छाक अठारह, ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आपका ये चैप्टर औसत का समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंत में एक बात जरूर है, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर हमसे त्रुटियाँ हो रही हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।